हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पर अभी मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं और अभी मैं यहाँ पर कपड़े जो है तो धुले थे तो फैलाने के लिए आई हूँ और मैंने नहा लिया है। सो मैंने पहले सोचा कि ये कपड़े फैला देती हूँ, तब तक ये सूख जाएंगे 1-2 घंटे में, क्योंकि ना दोपहर से फिर आंधी चलने लगती है, मतलब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो फिर कपड़े ना उड़ कर के नीचे गिर जाते हैं तो फिर गंदे हो जाते हैं। तो अभी ना मॉर्निंग के मैंने जैसे कि बताया कि 8 ही बजे हैं अभी, मैं क्योंकि टाइम देख कर के ही कैमरा उठाई हूँ। तो ये देखिए, तो कपड़े मैंने सूखने के लिए छोड़ दिए हैं और अभी आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो फिर मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ पहले। करके अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक प्लेट जो थाली है खाना वाली, तो इसमें मैंने टमाटर कट करके रख लिया है और अभी काट रही हूँ प्याज। और प्याज को मैं धुल करके ही काटती हूँ, क्योंकि ना ये धुलने से आँखों में नींद लगती है। और यहाँ पर जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक मैंने मैक्रोनी भी बॉयल करने के लिए रख दी थी, तो ये देखिए अच्छे से उबल गई है। और अभी ना इसे मैं निकाल लेती हूँ, फिर इसी कढ़ाई में जो है तो मैं बना लूँगी मैक्रोनी भी। और मैं इसे 2 बर्तन क्यों बढ़ाऊँ, क्योंकि इसे धुल लेंगे तो फिर वैसे भी बन जाना। तो कढ़ाई धुल करके ले आई थी और मैं देख रही थी चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, तो बस अंश को पैसे देने गई थी कि चाय पत्ती ले आओ, और मैंने देखा भी नहीं है। 2 दिन से इन्होंने चाय बनाई है, तो इस वजह से मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो चाय ख़त्म हो गई थी। तो बस अंश को भेज दिया चाय लेने के लिए। और यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल दिया था, तेल हो गया था तो जीरे डाल दिए। अब जीरे भी चटक गए थे तो अभी जो है तो प्याज डाल देती हूँ, और प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद हरी मिर्च डालूंगी। तो प्याज को थोड़ा भून लूंगी और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी प्याज के साथ में, ताकि ये प्याज ना खाने में मीठी ना लगे। और बच्चों को वैसे भी नहीं प्याज और टमाटर पसंद रहते हैं, तो इस वजह से मैं टमाटर तो बिल्कुल से कम ही डालती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा प्याज फ्राई हो गई थी इस वजह से, और इसी में मैंने मिर्ची भी डाल दी हरी। और हरी मिर्ची डालने के बाद टमाटर डाल दें। टमाटर ना पता है पकी नहीं है ज़्यादा, ये देखिए येलो येलो दिख रहे हैं ना, और आजकल के ना टमाटर भी बहुत ज़्यादा घमेले जैसे आ रहे हैं ना, तो फिर टमाटर सही नहीं आते हैं ना। और थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी ना, सो प्लीज़ इग्नोर करना। तो यहाँ पर टमाटर डाला, साथ ही में मैंने हल्दी डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है। और ये है गोल्डी सब्जी मसाला, जो 10 रुपये की 10 मतलब ये पुड़ी आती हैं, तो बस उसी का थोड़ा सा डाल दिया, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर अंश जो है तो ये चाय लेके आया, और ये है टाटा अग्नि, और पता नहीं कौन सी उसने चाय दे दी है। और मैंने दोबारा से मैंने कहा चेंज करके लाओ, तो वो कह रहा था कि नहीं देना है, दुकानदार वाला वो कह रहा था ये अच्छी होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी को एक बार मतलब यूज करके देख लेते हैं, वरना हम तो मतलब ताज़ा चाय पीते हैं और ताज़ा ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर टमाटरों में मैंने नमक डाल दिया था और ये मसाले डाल दिए थे, तो ये अच्छे से गल गए थे। तो इसके बाद मैक्रोनी डाल दी है, और मैक्रोनी की 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लिया था। इसके बाद फिर मैंने ये मैजिक मसाला मैगी मसाला डाल दिया और इसे अच्छे से 1 मिनट तक भून लिया है, और ये इसे अभी गैस बंद कर दूंगी। सो आप लोग भी आ जाइए चाय और नाश्ता करने के लिए, देखिए आपके लिए सबसे पहले। और इसके बाद फिर हम लोगों ने देखिए नाश्ता हम लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को मैंने दे दिया है और बच्चों ने ब्रश रस कर लिया आकृति, तो कपड़े भी नहीं पहने हैं और मैं भी कर रही हूँ उन्हीं के साथ में। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद अभी मैं ये जो नाश्ते वाले बर्तन थे, तो फिर मैंने सोचा ये बर्तन भी धुल कर रख देती हूँ, और लगे हाथ जो काम कर लो ना तो ही ठीक रहता है, वरना फिर जो काम तो मैंने कहा साथ ही साथ कर लेती हूँ इसे भी। और इसके बाद फिर मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो अभी ना मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं और मैं नाश्ता कर लिया हम सभी लोगों ने, जैसे कि आप लोगों ने देखा, और बस बर्तन वगैरह धुल दिए हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये है स्टिकर जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है दीवार के लिए, तो मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। और ये ना मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने देखा तो फिर मैंने इसे ऑर्डर कर दिया था, तो फिर मैंने
ऑर्डर कर दिया था और अभी मैं इसे मुझे लगाना है, तो मैंने कहा पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मतलब ये कैसा है और इसके बाद फिर हम लगाएंगे। तो ये ना 3-4 दिन का आया हुआ हो गया, पर बच्चों ने ना देखी बार बार खोल करके थोड़ा वैसा हो गया है, पर कोई नहीं है, बच्चों वाला घर है, थोड़ा बहुत ऐसे हो ही जाता है। तो देखिए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो ये देखिए यहाँ से आप लोग देखना ये है, और इस यहाँ पर देखिए ये इस तरीके की डिजाइन बनी हुई है ना, तो ये इसी तरीके से लगेगा दीवार पर। और ये देखिए इतना पूरा स्टिकर इतना बड़ा है, कैमरे में मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इस वजह से इसे ऑर्डर कर दिया था। और ये ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, देखिए लगा करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मतलब ये कैसा लग रहा है। और ये देखिए ना, ये देखिए बहुत प्यारी डिजाइन है। सो बस इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी जो मैंने काट करके रख ली है, और प्याज और हरी मिर्च लहसुन ये सब सारी चीज़ों का इंतजाम करके मैंने रख दिया था पहले से ही, और वरना फिर बाद में लेट हो जाता। तेल डाल दिया था मैंने, कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था, तो यहाँ पर मेथी दाना भी डाल दिया है, और मेथी दाना जैसे कि चटक गया है तो अभी मैं इसमें ना प्याज और लहसुन और हरी मिर्च साथ में ही डाल देती हूँ देखिए। और साथ में डालने के बाद इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और बाद में फिर लौकी डालेंगे। और आज ना मैं बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ ना, क्योंकि काफ़ी दिन से 2-4 दिन हो गए मसाले वाली सब्ज़ी खाते खाते, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और फिर पता है इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी खाओ तो वो भी नुकसान करती है ना। और साथ में मैं रायता भी बना लूँगी, तो लौकी मैंने डाल दिया जैसे कि, और अभी मैं नमक डाल देती हूँ इसमें स्वाद के अनुसार, और इसे चला करके ढक दूँगी, और बस ये अपनी ही मतलब पानी में जो इसका पानी निकलता है ना इसमें पक जाएगी। इसके बाद फिर मैं मसाले डाल दूँगी, तो बस इसे मैं ढककर छोड़ देती हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए ये लगा रहा है स्टिकर, और ये देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, इसमें ना निकालने वाला भी है तो ये निकल जाते हैं, और इसी तरीके से चिपका देंगे जैसे इसमें बना है उसी तरीके का हम लगाएंगे। तो आप लोग देखना जब हम लगा दें इसका फाइनल लुक। और आकृति को ना मुझे भी नहलाना है, और तो यहाँ पर देखिए ये स्टिकर का फाइनल लुक देखिए कितना सुंदर लग रहा है दीवार में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं काफ़ी दिन से सोच भी रही थी कि मैं इसे मंगवा लूँ, फिर मैंने इनसे पूछा तो ये बोल रहे थे कि मंगवा लो, तो फिर मैंने मंगवाया, और ये ना 150 का है। इसके बाद मैंने खाना भी बना लिया था, तो ये देखिए खाना मैं रायता बनाया है मैंने बूंदी का, और यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी बनाई है। सो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, और अभी ना दोपहर का टाइम है, 1 बज चुके हैं, तो मैं अभी खाना खा रही हूँ। सो आप लोग भी आ जाइए, और अभी ना देखिए उसके बाद फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, तो अभी ना रात हो गई है, और रात के ना 9:30 बज चुके हैं, और यहाँ पर जो है तो मैं गैस को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि खाना पीना हमारा हो चुका है, बच्चे मेरे सो चुके हैं, और अभी ना लाइट कट गई थी तो इस वजह से थोड़ा अंधेरा था, तो फिर मैं नहीं कर पाई थी किचन को क्लीन, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा इसे क्लीन करके छोड़ देती हूँ। इसके बाद ना मैं सुबह भी क्लीन करती हूँ, मैं आप लोगों को बता दें सुबह भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि ना एक छिपकली है जो मेरे किचन में जो है तो मतलब बहुत ज़्यादा आती जाती रहती है, तो फिर मुझे ना ये लगा रहता है पता नहीं गैस चूल्हा पे ऊपर चढ़ गई होगी, तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं इसे सुबह भी मतलब पोंछ देती हूँ, और बस इसे साफ़ कर दूँगी। और सभी लोग सोने जा रहे हैं, बस मैं ही बची हूँ, और लाइट नहीं थी तो इस वजह से अंधेरा था, तो फिर काम करने में मुझे ठीक नहीं लगता, और मैं ब्लॉग भी बनाती तो कहाँ से बन पाता, तो मैंने कहा ये बना यहाँ पर सफाई कर देती हूँ, इसके बाद फिर मैं जाऊँगी सोने। बर्तन वर्तन मेरे सारे धुल चुके हैं जैसे कि। हेलो दोस्तों, अभी ना रात के 10:30 बज चुके हैं, सो आप सभी कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो अभी देखिए कूलर चल रहा है तो उसी की आवाज़ आप सभी को आ रही होगी, तो सभी लोग सो गए हैं जैसे कि मैं बची हूँ, तो मैंने सोचा पहले अपने वीडियो का एंड कर देती हूँ, इसके बाद फिर सोने जाऊँगी। सो जो है तो मेरा जो नाइट वाला काम था वो मैंने ख़त्म कर दिया रात वाला, जैसे कि मतलब बर्तन धुल कर रख दिए हैं, और गैस चूल्हा को भी क्लीन कर दिया, बस ये काम कर दिया, और अभी जा रही हूँ सोने के लिए। और आज ना मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा काम में ना लेट हो रहा है, और लाइट भी अभी कट गई थी तो इस वजह से और ज़्यादा लेट हो गया। रात में अगर मैं गैस चूल्हा या बर्तन वगैरह कुछ भी करती तो फिर लाइट नहीं थी, तो आप लोगों को दिखता कैसे, और समझ में भी नहीं आता, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना, तो इस वजह से फिर मैंने कहा लाइट आ जाए फिर इसके बाद फिर मैं करूँगी। तो मुझे भी नहीं अंधेरे में मतलब काम करने में मज़ा आता है इस वजह से। तो बस आज का मेरा वीडियो यहीं तक है, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल
अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए फिर मैं कल मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। सो कल मिलती हूँ, बाय, गुड नाइट।